आज हम टमाटर से एक 3 स्टेप फेशियल करने वाले हैं। टमाटर को यहाँ पर हमने उसका पल्प निकाल लिया है स्ट्रेन करके, और यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं 2 चम्मच मिल्क। और यह हम सादा जो घर में दूध होता है वो है, आप कच्चा या बॉयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पैकेट का दूध भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। बस इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स करना है और एक कॉटन बॉल की हेल्प से आपने इसको अपने फेस या हाथों पैरों पर अप्लाई करना है। स्किन पर अप्लाई करने के बाद आप रब करके अच्छे से बार बार कोट करते जाएँ और अच्छे से क्लेंस करते जाएँ, ताकि अंदर तक ये जो है पोर्स आपके क्लीन हो जाएँ। थोड़ी देर छोड़ें और फिर वॉश कर लें। सेकेंड स्टेप में आएंगे, ये है स्क्रबिंग। इसमें हमने वही पल्प यूज़ किया है और शुगर वाइट या ब्राउन कोई भी आप ले सकते हैं, और इसके अलावा हम यूज़ कर रहे हैं इसमें जौ का आटा। और सबसे पहले हम पल्प लेंगे। पल्प का हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून ले रहे हैं। जौ का आटा भी हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया है, और मैं यहाँ पर वाइट शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप ब्राउन भी कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे नारियल का तेल, और आप बादाम का तेल और ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर, जो भी आपको अच्छा लगे या स्किन पे सूट करे। तो यहाँ पर मैं जो है नारियल का तेल ऐड कर रही हूँ। बस इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और जिस तरह का एक स्क्रब होता है इस तरह की कंडीशन में ये आ जाएगा। अब आपने इसको हाथ पे अप्लाई करना है, और अपने जो भी स्किन फेस या हाथ पैर जहाँ पर भी आप लगा रहे हैं वहाँ लगा के इसको पहले थोड़ी देर छोड़ दें और फिर स्क्रबिंग करें। और अच्छे से स्क्रबिंग करनी है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये स्किन के लिए, स्किन स्क्रबिंग में बहुत ही अच्छी हैं, बेनिफिशियल हैं। टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट होते प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। विटामिन सी है जो कि स्किन के लिए बेहतर है, और इसमें हमने जौ का आटा डाला है। जौ का आटा जो है वो स्किन कम्प्लेक्शन को फेयर करता है, डेड स्किन को दूर करता है। यहाँ पर हमने सेकेंड स्टेप कम्प्लीट किया। अब हमारा थर्ड स्टेप है, इसमें हम यूज़ करेंगे टमाटो पल्प, बेसन और दही। और वही टमाटो पल्प है जो हमने कट करके टमाटर को स्ट्रेन करके हमने बना लिया था, और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे हनी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे टमाटो पल्प, ये तकरीबन 1 ही चमचा है जो हमने इसमें डाल दिया। और अब इसमें 1 चम्मच भर के हम लेंगे बेसन। और बेसन अगर आपको सूट नहीं करता या आप वो नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप यहाँ पर इसकी जगह पर मसूर दाल पाउडर भी ले सकते हैं। और 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे दही, और इसमें हम डालेंगे हनी। और हनी और दही, आपको पता है दोनों चीज़ें स्किन के लिए किस कदर बेनिफिशियल हैं, किस कदर ग्लोइंग और अच्छी स्किन बनाने में आपकी हेल्प करती हैं। और ये बहुत अच्छा फेस पैक है, आप ज़रूर इस फेशियल को घर पर आजमा कर देखें। दाग धब्बे दूर करेगा स्किन से, समर टैन सन टैन दूर करेगा, डार्क स्पॉट्स बहुत कम होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है, एक्नी पे बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि टमाटर में ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक्नी को भी कम करती हैं। ये देखिए, इस तरह मिक्स कर लेना है इसको अच्छे से, और अब हम इसको अप्लाई कर लेंगे। और अप्लाई करने के बाद आपने इस पैक को इस तरह से अप्लाई करना है कि पहले आपने एक बार लगा देना है और फिर उसके ड्राई होने का वेट करना है, और फिर थोड़ा जब वो ड्राई हो जाए, हाफ ड्राई हो जाए, तो फिर थोड़ा हमने उसके ऊपर सेकंड कोट करना है, और हमने इसके ऊपर लगाते जाना है। इस तरह से हम इस पर थर्ड कोट कंप्लीट करेंगे, और जब वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो हम इस पर फोर्थ कोट करेंगे। आप 3 से 4 बार इस फेस पैक को अप्लाई करेंगे चेहरे पे, पहले को थोड़ा सूखने देंगे और फिर अप्लाई कर देंगे, और बिल्कुल लास्ट वाले को आप अच्छे से ड्राई होने देंगे। और जब वो बिल्कुल ड्राई होने के करीब होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना हमने इसको, और फिर आप वेट फिंगर्स के साथ इसको अच्छे से रब करके वॉश कर लें।